गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा आरएमएस सीटी 2023 जिसका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है एंड लक्ष्य एकेडमी से 62 प्लस स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल है। मींस जयपुर ब्रांच और पटना ब्रांच दोनों ब्रांच को मिला के 62 प्लस स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल है। एंड इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे लक्ष्मी के बारे में। एंड जो लक्ष्मी है ये छपरा बिहार से बिलोंग करती है एंड लक्ष्मी ने जयपुर ब्रांच भी स्टडी की थी एंड इनका भी हाल ही में आरएमएस सीटी 2023 एग्जाम क्लियर हुआ है एंड इनको इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो सबसे पहले लक्ष्मी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेटे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना बेटे। माई नेम इज लक्ष्मी कुमारी एंड माई रोल नंबर इज 608652। मैंने रिसेंटली मैं आरएमएस सीटी 2023 दिसंबर का एग्ज़ाम क्रैक किया है। इसके लिए मैं जयपुर के ऑल स्टाफ्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और जो मॉडल पेपर होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो पेपर होते थे उनका लेवल अच्छा होता था, जैसे तो फिर स्टार्ट में आपके क्या स्कोर रहता था एंड अगर मान लो आपके स्कोर कम रहता था आप उसको मतलब कैसे आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किया बेटे? सर जब भी हमारे मार्क्स कम आते थे तो मनीष सर बोलते थे कि थोड़ी और पढ़ाई करो जिससे तुम लोग का सिलेक्शन हो। ओके बेटे, तो बेटे अभी जैसे कि आपने आरएमएस का एग्जाम दिया तो इसका आपका इंटरव्यू कॉल कहाँ हुआ बेटे? आरएमएस सेल में किस डेट को बेटे? 4 मार्च को। एंड आपने बेटे लक्ष्य एकेडमी कब ज्वाइन किया था? 27 अप्रैल 2023 को आपने लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन किया था। ओके, तो इसके अलावा बेटे आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भी दिया बेटे? यस सर। तो उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है अभी? 275 out of 300 इनका सैनिक स्कूल में स्कोर बन रहा है। एंड तो 275 out of 300 उसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इनको सैनिक स्कूल चाहिए गोड़ाखाल नालंदा जो टॉप सैनिक स्कूल है वो इनको इजीली मिल जाएगा। बाकी बेटे एक बार आप ये बताइए कि आपने जैसे मिलिट्री स्कूल एग्जाम दिया तो किस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया था? डिफेंस प्लस जनरल से आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो आपका स्कोर क्या बन रहा था बेटे? 135 out of 150 इनका स्कोर बन रहा था। एंड इसके अलावा जो इनके साथ इनकी मम्मा है तो एक बार ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इनको लक्ष्य एकेडमी कैसे पता चला एंड कैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि बच्चे को लक्ष्य एकेडमी में पढ़ाया जाए जो भी है। हाँ यस मैम, आप एक बार बताइए। हेलो, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना सिंह छपरा बिहार से मैं यूट्यूब में देख करके ही मैं लक्ष्य एकेडमी से जुड़ी और मैं निर्णय की कि मैं अपनी लड़की को भी आरएमएस और सैनिक की तैयारी कराऊंगी और मैं आकर के जयपुर ब्रांच में आकर के अपनी लड़की को डाली और लड़की ने भी अच्छा करके आगे आरएमएस की अच्छी तैयारी करके आगे निकली। और सर यहाँ के जितने भी टीचर हैं बहुत स्ट्रगल कराए, बहुत अच्छे मेहनत कराते हैं बच्चे को और उन्होंने सफलता प्राप्त कराई। उन सभी टीचरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। मोहित सर को भी मेरे तरफ से थैंक यू सर। और जो सिलू मैम हैं उन्होंने भी गर्ल्स हॉस्टल की जो उन्होंने देख रेख की है लड़कियों की और उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू।